संडे लाइव मोहित शुरू हो चुका है और अभी कोई भी नहीं है, सुनसान। मैं देख रहा हूँ लाइव में मेरे अलावा आज कोई भी नहीं आया है। क्यों? क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है। सारे के सारे फ्रेंड्स मुझे छोड़ के बाहर पार्टी करने गए। नहीं, तुम हो क्या? तुम सब जिंदा हो? जिंदा है जी। और आज पहला हाय आया है निश्चय चौधरी का। हैप्पी फ्रेंडशिप डे निश्चय चौधरी। पापा बैठ दे, सारे अपने दोस्त लोग जी यहीं पर हैं अभी, तो धीरे धीरे सब लाइव आ रहे हैं। खबर फैला दो कि मोहित आ गया है लाइव। संडे लाइव विद मोहित शुरू हो चुका है, हर बार संडे 9 बजे की तरह आज भी 9 बजे एग्जैक्ट ऑन टाइम। एक भी दिन नहीं छोड़ा है मैंने संडे लाइव, और 9 बजे तो हर दिन आया हूं। अरे कोई ना, लेकिन आज टाइम पे आ गया अभी एकदम। अब तुम बताओ, तुम सब कैसे हो? कैसे हो? नील पटेल कह रहे हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे नील। और कार्तिक चौधरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे कार्तिक। केवल्य शिवदेव मैं हूं साले। कहां पर है केवल्य? मैं हूं तो सरी है कहां पर, तू ये बता, घर आ जा। और पाप्या बैद एंड टू अदर्स जस्ट शेयर्ड योर वीडियो, थैंक यू पाप्या बैद। और जो भी दो अपने दोस्तों ने, आज तो दोस्त हैं अपन सब, तो आज सब दोस्तों ने जिन्होंने भी शेयर किया वीडियो, उनको बहुत बहुत थैंक यू पाप्या वैद्य। नवीन गॉड, नवीन भैया कैसे हो आप? हेलो। महिमा गहलोत कह रही हैप्पी फ्रेंडशिप डे तुझे भी यार महिमा। अभी तुम सब लाइव आ जाओगे तो तुम्हें कुछ सुनाऊंगा। मतलब हर बार तो सुनाता ही हूं अपनी बातें, तो बातें सुनाऊंगा, लेकिन कुछ और भी है जो सुनाना चाहता हूं तुम्हें। तो क्या तुम सब रेडी हो? ये शोर करो, इतना शोर कि मुझे यहां तक आवाज आ जाए, जो कि नहीं आएगी, नहीं आ सकती, क्या पता। तो क्या तुम सब रेडी हो? हाँ ठीक है, काफी सारे लोग लाइव आ चुके हैं, तो अब तुम्हें सुनाता हूं जो मैंने छोटा सा कुछ बनाने की कोशिश करी थी आज फ्रेंडशिप डे के लिए, सारे तुम्हारे प्यारे कमीने दोस्तों के लिए। सारे प्यारे कमीने दोस्त, मतलब जो साले बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं कमीने होते ही हैं, मतलब उन पर लाड भी आता है, उन पर प्यार भी आता है, उन पर गुस्सा भी आता है, उन पर सब कुछ आता है। तो ये उन सारे कमीने दोस्तों के लिए। कैसा कि रुजा, मैं इधर क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि इधर मैंने इसको लिखा है इसलिए। तो अभी इसको देख कर मैं बोलता हूँ। जिंदगी में जब से तेरा साथ है, मैंने पाया है जो सबसे खास है। ज्यादा खुश तू ना हो बेटे, सुन भी ले, साले तू कमीना बेहिसाब है। बस पार्टियों में होता मेरा पार्ट, तू भग जा है फेक स्वीट हार्ट। तू बस पार्टियों में होता मेरा पार्ट, तू भग जा साले फेक स्वीट हार्ट। तू तेरे बिना लाइफ जैसे डेड एंड है। दो कौड़ी का है पर तू मेरा फ्रेंड है। मतलब आज ना मेरी इच्छा थी कि मतलब तुम सबको कुछ फ्रेंडशिप डे का स्पेशल कुछ वीडियो बना के ऐसे कुछ या कुछ करके तुमको सुनाऊं और ऐसा करके, लेकिन अभी क्या हुआ कि मैंने बना तो दिया, पर फिर मैंने सोचा आज तो यार संडे भी है तो लाइव चैट के टाइम सुनाऊंगा ना तुम सबको, इसलिए ये फ्रेंड, क्योंकि हर एक फ्रेंड कमीना होता है। साहिबा सलूजा कह रहे हैप्पी फ्रेंडशिप डे, थैंक यू साहिबा, तुझे भी। बताओ जरा सयोनी घोष, सो नाइस, थैंक यू यार सयोनी। बताओ अपनी दाढ़ी मुझे भी ऐसी बढ़ गई है ना, मतलब जैसे जैसे क्या, जैसे डनेरियस स्टार क्या, उसका सरनेम क्या है यार, टारगेरियन क्या है यार, कुछ नहीं सोचो, ये छोड़ो, ये गंदा गेम ऑफ थ्रोन्स वाला जोक था, और मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद है, बहुत पसंद है। मैंने लीक एपिसोड भी देख लिया, किसी को बताना मत, ठीक है? लीक एपिसोड आया था अभी, 4th एपिसोड लीक हो गया, बताओ। मैं तो वो भी देख लिया, मेरा दोस्त है संचित भाई, उसकी तरफ से। अरे अच्छा अच्छा, चलो चलो, आज फ्रेंडशिप डे है तो आज हम कुछ फ्रेंडशिप वाली बातें करते हैं, मतलब अपने राज खोलते हैं। राज तो मतलब अपन खोलते ही हैं, और मतलब दिल में जो है वो बोलते ही हैं। वाह 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 वाह,
तो आज मैं चाहता हूं कि तुम सब अपने अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बताओ। मतलब फ्रेंड्स तो देखो होते ही हैं लाइफ में, बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। तो अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताओ। तुम हो सकता है अभी तुम आराम से टाइम लो, आराम से बड़ा सा कमेंट लिखो, मैं वो बड़ा सा कमेंट भी पढ़ूंगा, पर पढ़ूंगा जरूर। तो आप मुझे प्लीज प्लीज अपने अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में किस्सा लिखकर बताओ। मतलब तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताओ, वो कौन कौन है, या कोई एक है तो एक है तो कौन है, उसका नाम क्या है, उसके बारे में कुछ बताओ, उसका कोई स्पेशल किस्सा कोई हो तो वो बताओ। और अगर बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो उन सब बहुत सारे के बारे में बताओ। टाइम लो आराम से, बड़ा बड़ा सा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, उन्हें चलेगा। तब तक जब तक तुम लिख रहे हो, सोच रहे हो, जब तक मैं बताता हूँ मेरे लाइफ के बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में। तो जी मेरा लाइफ में सबसे पहला जो बेस्ट फ्रेंड बना था ना, मतलब मेरे सेंट एडमंड स्कूल में मैं पढ़ता था, तो वहां से मेरी 9th क्लास में मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरी जाने जिगर बना था, निखिल खंडेलवाल गधा। वो अभी बैंगलोर में जॉब कर रहा है और मेरी जान है वो। मतलब उसकी वजह से मैंने पोएम्स लिखना स्टार्ट किया था, मतलब उसको देख देख के उसको। वो बहुत ही क्रिएटिव आदमी और मतलब बहुत ही स्वीट हार्ट है वो। मतलब वो पागल है, वो कुछ भी है, वो मेरी जान है। मतलब बहुत, मतलब मेरा वो सबसे लाइफ का पहला बेस्ट फ्रेंड है। और क्या होता है, मतलब वो बहुत प्यारा है यार। और वो लाइव चैट देखता नहीं होगा, रक्षित देखता है। रक्षित अगर है तो रक्षित भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है कॉलेज के टाइम का। अभी वो अमेरिका चला गया आगे की पढ़ाई करने, बताओ जरा। मैंने उसको यही कहा कि अभी तू, मतलब इंडिया में तो तेरे को सब भाई भाई कहते थे, मतलब दोस्त लोग तो भाई कहते थे, अब तू ऐसी कंट्री में जा रहा है, तेरे को निगाह कहेंगे यार, इन्ने वो अच्छा मेन। तो इस तरह से, और मेरा स्कूल लाइफ का बेस्ट फ्रेंड है निखिल, उसके बारे में तुमको बताया। अब मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। तो नील पटेल कह रहा मेरा बेस्ट फ्रेंड भाई चित्रांश है और राघव है। अरे यार क्या बात है। सुष्मिता बासु कह रही है माई बेस्ट फ्रेंड इज माई मॉम। आय हाय क्या, बिल्कुल यार, मतलब ये तो सच हो गया। मतलब कि सबसे लाइफ का सबसे पहला बेस्ट फ्रेंड तो अपना मम्मी होती है यार। नमन पांडे कह रहे कमीना है बहुत बड़ा वो, लेकिन उससे बिना जिंदगी जीना एक्सपेक्ट नहीं करता। कौन है नमन पांडे ये तो बताओ। ऋतिक अग्रवाल कह रहे भाई डू यू रिमेम्बर मी फ्रॉम योर वेरी ओल्ड लाइव चैट, यू गेव मी रिप्लाई इन लाइव चैट बट अब आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो। नहीं यार ऋतिक, मेरे को आपका कमेंट शायद अभी दिख पाया होगा, इसलिए मैंने, मेरे को कमेंट दिखता है तो जरूर रिप्लाई करता हूँ भाई। मेरा तो काम ही है, धंधा ही है यहाँ पे। मैं दुकान खोलकर बैठता हूँ हर संडे को 9 बजे, संडे लाइव विद मोहित कह देता हूँ उसको, कभी सुपर संडे विद एमजी कह देता हूँ, कुछ भी कह देता हूँ, अनसेंट नाम दे देता हूँ। और उस दुकान में मेरा काम और धंधा यही है कि रिप्लाई देना और कमेंट्स पढ़ना। तो चलो और कमेंट्स पढ़ते हैं। सौम्य सागर कह रहे हैं बस्टी बेस्टी इज बनी एंड ही इज सो क्यूट यार, वो सब कुछ समझता है यार, उसका निकनेम बनी है मेरा पिकाचू। वाह, इसके तो कमेंट में मेरे को ज्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये पता चल गया कि तेरा वाकई मतलब बेस्ट फ्रेंड है। जिस तरह से मतलब तूने डिस्क्राइब किया ना पिकाचू बनी है ना, सा अच्छा सा लगा, मतलब क्यूट सा कुछ, तेरा बहुत ही प्यारा दोस्त होगा फिर तो। बदमाश लौंडा सिड, वाह यार, पहले तो तेरा नाम बहुत ही गजब है यहाँ, बहुत ही मतलब मजेदार नाम वाले लोग आते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो वो कह रहे हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड आदि, उसके बातें ही निराली हैं यार, वो लाखों में एक है, उसके चलते मेरी गर्लफ्रेंड बनते बनते रह गई। अरे बाप रे आदि क्या करा है तूने बता। मेरा बदमाश लौंडा सिद्ध है, मेरा दोस्त है यहाँ पे, हमारी फैमिली का मेंबर है अपनी यार, उसका उसकी मतलब तूने गर्लफ्रेंड बनते बनते रहे क्या छुड़वा दी यार, गलत बात है आदि, क्या किया तूने। खैर कोई ना सिद्ध, जो तेरी लाइफ में डिजर्विंग होगा तेरे को जरूर मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है। टिंग डंग। हर्षित जैन सिंह भी कह रहे हैं हाय, यू आर एर एन गॉड एडेफ है भाई। इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। हर्ष जैन सिंघवी, यार तुम नाम से तो इंडियन लग रहे हो, पर तुमने पता नहीं कोई से तो लैंग्वेज में लिखा है, मेरे को समझ में नहीं आ रही, हो सकता है स्पेनिश हो। मैं तो आज तक डेस्पासिटो सॉन्ग भी नहीं सुना, समझ में आया यार, तो ये क्या समझूंगा मैं। हिंदी में कुछ बोलो भाई, हिंदी या इंग्लिश चलता है, अपन को दोनों ये आती है थोड़ी थोड़ी। तो प्रियंका अग्रवाल कह रही है हाय हैप्पी फ्रेंडशिप डे डियर, यू आर सो क्यूट। अरे प्रियंका यार, अपन ऐसे ही है यार, क्या करूं अभी, कोई क्यूट बोलता है, कोई क्या बोलता है, मतलब क्या बताऊं अभी, सबके अलग अलग परसेप्शन है। तुमने क्यूट बोला उसके लिए थैंक यू भाई। चलो चलो कमेंट पढ़ते हैं जी। ज्योति हेलो, हैप्पी फ्रेंडशिप डे मोहू, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करा है, तो थैंक यू बोलिए मेरे को, थैंक यू ज्योति। वाह,
पापिया वैद्य बेरा बेस्ट फ्रेंड तो माइंड दी है मेरा जान है वो दोनों। अरे यार क्या बात है, ऐसे प्यार से बोलते हो ना यार तुम, कॉल खींच लो तुम्हारे में जोर से, ऐसी इच्छा करती है मेरी। अनमोल अग्रवाल कह रही मेरी बेस्टेस्ट से भी मोस्ट बेस्टेस्ट फ्रेंड बिजी है पढ़ाई में, मेडिकल की पढ़ाई, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो देख ही नहीं पाएगी, FB डीएक्टिवेट कर रखी है। कोई बात नहीं अनमोल, तेरी बेस्ट फ्रेंड को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष देना, वो देख तो पाएगी नहीं लेकिन तू जरूर बताना कि मैंने सिखा है ना, ठीक है ओके। भावेश मजुमदार BM भाई मेरी फ्रेंड अभी इंडिया में है और मैं मलेशिया में हूँ, अपनी फ्रेंड को बहुत मिस कर रहा हूँ भाई, उसी के लिए मैं मलेशिया आया हूँ, आई लव हर। क्या बात है भावेश, अरे यार तेरी बेस्ट फ्रेंड को मतलब अगर वो इंडिया में तो मेरी तरफ से बहुत बेस्ट विशेष देना और मेरी तरफ से उसको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ओ भावेश मजुमदार की बेस्ट फ्रेंड, तेरा देख तेरा दोस्त तेरे को इतना प्यार करता है, वाह यार शानदार। मेरे को ना और मैं यार चलो मैं तुम तो कमेंट कर ही रहो, मैं तो सबके कमेंट्स पढ़ने वाला ही हूँ। मुझे साथ में एक और किस्सा बताता हूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड का। तो जैसे मैंने बताया टाइमलाइन के साथ में चलूंगा, तो मेरे स्कूल टाइम में बेस्ट फ्रेंड्स बने निखिल, फिर रक्षित और सागर पाराशर, अनुविंद और अनीश भार्गव, धीरज माथुर, तो हम सब मतलब बहुत प्यारे, वैभव शर्मा, अरे यार बताओ पूरा नाम लेना पड़ रहा है मतलब, क्योंकि तुम मतलब तुमको विभू कहूंगा, भालू कहते थे मुझे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, पाराशर को हम पारो कहते थे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा पारो कौन है, तो इसलिए ऐसा धीरज माथुर को हम माथुर कहते थे तो इसलिए मतलब ऐसा है निकनेम से तो पहली बार मैं पूरे नाम से बोल रहा हूँ ताकि तुमको सबको पता चले कौन है वो, उनके नाम पता चला मतलब जान है वो अपनी। और फिर क्या हुआ, फिर कॉलेज टाइम में अपनी एंट्री हुई और कॉलेज टाइम में एंट्री होते ही भाई साहब अपने लाइफ में मतलब सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरा बना था दीपक दीक्षित, फिर नंदिनी कश्यप से यार इतनी बार मैंने लाइव चैट में बोला तो आती भी है देखने, ओए नंदू हैप्पी फ्रेंडशिप डे बावली, तो अगर तू देख रही है तो यार, और नहीं देख रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को वैसे ही व्हाट्सएप पे विश कर दिया है। तो नंदू, और नंदू यार तू बहुत प्यारी है और तू पागल है और तेरी हर चीज में मिस करता हूँ, तेरा गुस्सा होने पर पानी फेंकना, तेरा हैप्पी होने पर पानी फेंकना, तेरा बिना बात के पानी फेंकना, मतलब वो बॉटल में पानी भर के और मतलब बोल रही थी मुझे गुस्सा हो रहा है, फच देने से मेरे ऊपर मार देती थी, मोहित यार मैं बहुत हैप्पी हूँ ये ले पानी, फच देने से मार देती थी। और क्या क्या नहीं किया उसने, मतलब उसने मेरे को पढ़ाया कॉलेज के टाइम पर। अच्छा होता क्या था कि मैं ना ज्यादा पढ़ाई में मतलब मेरे को अच्छी लगती थी बायोटेक, पर मेरे को म्यूजिक में मतलब बहुत ज्यादा एंट्री हो गई थी मेरी लाइफ के, मतलब ध्यान की, मेरे फोकस की, मेरे प्यार की, तो है ना म्यूजिक में इतना रहता था मैं तो मैं, और मेरे को ना पढ़ाई ज्यादा मतलब पसंद नहीं आती थी यार, थोड़ा डिफिकल्ट लगता था मतलब। ऐसा नहीं बायोटेक मैंने कुछ मतलब बिना मतलब के चुनी, बायोटेक में मुझे इंटरेस्ट था इसलिए मैंने वो फील्ड ली थी, बायोटेक इंजीनियरिंग कर रहा था तो उसमें भी इंटरेस्ट था, अच्छा लगता था, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लगते थे और पढ़ना मुझे मतलब अच्छा लगता था और लेकिन म्यूजिक ज्यादा करता था मैं, मतलब गाने बनाना और इस तरह टाइम पास ये बहुत करता था मैं। तो नंदू मेरे को एग्जाम से जस्ट 1 घंटे की मतलब ड्राइव होती थी, हम लाल डब्बा कहते थे, शाहपुरा डिपो चलती थी हमारे जयपुर में चांदी की टकसाल से MET मेरे कॉलेज तक, तो उसमें 45 मिनट्स या 1 घंटे का रास्ता होता था और उसमें मैं नंदिनी से जो भी एग्जाम हो रहा था ना उस दिन उसका सब पढ़ लेता था, घर पर कुछ नहीं पढ़ता था मतलब थोड़ा बहुत अगर पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो नहीं पढ़ता था, क्योंकि नंदिनी को मैं कहता था तू मेरे को पढ़ाएगी मुझे नहीं पता, मेरे को तू इतना पढ़ा दे कि मैं पास हो जाऊं बस, वो मेरे को पढ़ाती थी और मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते थे यार। और उन्हीं के साथ में ओशी नक्शी ये दोनों भी मतलब इन अपनी जान है यार, मतलब ये सारे के सारे बहुत प्यारे मेरे कॉलेज टाइम के यार है मेरी जाने मने। रौनक है मेरा जूनियर बहुत प्यारा सा, उसकी पूरी मतलब उसका ग्रुप था नाथू और तुषार, यार मतलब बहुत याद आती है मतलब ऐसे कॉलेज की। और अभी यहाँ मुंबई में हूँ तो मेरा जयपुर का मेरा बेस्ट फ्रेंड है आकर्ष, अरे उसके बारे में मैं अब नेक्स्ट बार बताऊंगा, अब वापस से मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ना स्टार्ट करता हूँ ठीक है। तो निश्चय चौधरी कह रहे हैं जब मैं बीकानेर हॉस्टल में था तब हम रोज रात में जग के रूफ टॉप पे जाके बैठा करते थे, हमारा हॉस्टल एकदम जंगल में था जी, मजा ही अलग आता था, एक भी दोस्त का नाम नहीं लेना चाहूंगा। वाह शानदार है यार, निश्चय अलग है यार तू, अलग टाइप के बंदा है, अलग सोच है तेरी, कमेंट भी मस्त अलग अलग से करता है। बीजल पटेल कह रहे हैं वैसे तो मेरे बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं बट मैं सबसे ज्यादा क्लोज अपनी मम्मी से हूँ, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी ऑल्सो लव्स यू। अरे यार क्या बात है विजल, यार तेरी मॉम को भी बहुत सारा लव यू कहना है मेरी तरफ से। और अभिषेक सिंह कह रहे हैं बेस्ट फ्रेंड रविराज एंड गर्लफ्रेंड प्रियंका बट शी लीव्स मी, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता। अरे यार अभिषेक
कोई बात नहीं यार, मैं अभी अब तक नहीं बोला हूँ। मेरे जो जो लाइफ में क्रश रहे थे ना, बहुत बड़े बड़े, जिनके पर मैंने गाने भी बनाए हैं और गालियां भी सुनी हैं उनसे, बहुत कुछ गया है, और लेकिन याद तो है यार, मतलब याद आते हैं यार। वाह, शार्मी पटेल भाई, मेरी मेरी बेस्ट फ्रेंड पूजा, वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, एंड गोपी, काजल, मानसी, भौमिक सब बेस्ट फ्रेंड है, क्या बात है। गौरव गर कह रहे, मेरी बेस्ट फ्रेंड समायरा मल्होत्रा इंसल्ट करती है यार, बहुत है मेरी, बट जब कोई करे तो उसकी जान ले लेती है, एंड शी इज द ओनली वन जिसे मैं लूज नहीं करना चाहता, क्या बात है गौरव यार। वाह यार, बहुत प्यारा लग रहा है यार ये सब तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के। और कीर्ति उपाध्याय, मोहित पहचाना क्या? कीर्ति उपाध्याय मेरे सेंट एडमंड्स में मेरी जूनियर थी, और ये और इसकी एक और जुड़वा बहन थी, मतलब पता नहीं वो जुड़वा है कि नहीं, लेकिन जुड़वा जैसी दोनों लगती थी, मतलब ऑलमोस्ट सेम थी, और हम साथ में सिंगिंग कॉम्पिटिशन में जाया करते थे। तो कीर्ति कैसी है तू यार, मतलब बता यार, बहुत टाइम हो गया तेरी, ये येलो हाउस में हुआ करती थी जितना मुझे याद है, मुझे कितना याद है कि कलर्स वगैरह याद रखता हूँ मैं, मतलब वो हाउस के कलर्स होते थे ना, मतलब मेरे को ऐसे याद आता है एकदम से। तो कीर्ति कैसी है तू? विनीत किशोरी कह रहे हैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे मोहित गौड़ सर जी। ओए विनीत, विनीत मेरा कॉलेज का जूनियर है, और ये बहुत ही प्यारा, मतलब मेरा सबसे फेवरेट जूनियर्स में से एक रहा है, और ये इतना कमाल का पोएट है, इतना कमाल का पोएट है। विनीत मेरे को तेरी पोएम्स पढ़नी है, तो मेरे को व्हाट्सएप कर, फेसबुक पे कर, कैसे भी कर, बहुत टाइम हो गया है यार, मतलब तू संजना, अरे यार क्या क्या याद आ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे प्यारे से जूनियर्स थे ना, इनको जा जाकर मतलब मैं जबरदस्ती गाने सुनाता था, और जबरदस्ती मुझे सुनते थे, मतलब पकड़ पकड़ के मोहित भैया कोई गाना सुनाओ, मैं और तुम बताओ कौन सा सुनना है, ऐसा करके। अरे यार क्या शानदार, मतलब बहुत प्यारा याद आ गया यार विनीत, यार क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लगा यार तेरा, तू आया लाइव चैट में यार, जाने मन प्यारा यार। पद्मिनी पूजा पांडा, माय बेस्ट फ्रेंड इज काइंड ऑफ मैड, शी इज स्टूपिड एंड वो मेरी जान, एंड शी इज लाइक द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी, एंड शी हैंडल्स मी द वे नो वन कैन डू दैट, शी इज सृष्टि, क्या बात है पद्मिनी, गजब यार। ऐश्वर्या ठकराल, यू नो मोहू, कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स थे जो अब तक साथ हैं, पार्टनर एक बेस्टी थी जिसने डोंट नो ये क्या प्रॉब्लम हुआ था, ये क्या हुआ था, हम अलग हो गए थे, कोई लिंक नहीं कुछ नहीं, पर अभी कुछ दिन पहले ही हम फिर से साथ हो गए, नाउ अगेन वी आर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, सो हैप्पी, क्या बात है यार ऐश्वर्या यार, अच्छा लगा है सुन के बहुत। वाह यार, तुम जो ऐसा बोलते तो मेरे को बहुत सारी यादें आ जाती हैं, मतलब वो मेमोरी इसके अंदर में खो जाता हूँ, मतलब इसलिए मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगता है, मतलब तुम सबकी बातें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अभिषेक नहारिया कह रहे हैं, कमीने भाई एक नंबर के लोगों का एक होता है, मेरा पूरा ग्रुप है कमीनों का, बट आई लव देम यार मोहित भाई, क्या बात है। श्रीशंत वर्मा कह रहे हैं, माय बेस्ट फ्रेंड यू, अच्छा क्या बात है यार श्रीशंत, ठीक है आज अपन बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है तू और मैं। लवली मेहता कह रहे हैं, मेरा बेस्ट बड़ी आकाश गुप्ता है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, काफी साल से नहीं मिली मैं उससे, मुंबई रहता है वो, आई रियली मिस हिम, वो कमीना बिना ब्राड मुंबई भाग गया, बिना बताए मुंबई भाग गया था, मैंने कितना टाइम ढूंढा उसे, बट फाइनली वो मिला मुझे, मैं उससे हर बात मैसेज करती थी एफबी पे, कभी तो रिप्लाई देगा, एक दिन उसका रिप्लाई आया है, आई रियली मिस हिम, बहुत कुत्ता है वो, बट आई लव माय बड़ी। वाह यार कहानी आए, मतलब ये सब तुम सबकी अपनी अपनी, अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ के। अरे गोल्ड जी ठाकुर कह रहे हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सबका नाम के से है, के से है, अच्छा मस्त है, अपने जॉब से कल रात ही आई और उन सबके साथ घूमकर भी आई और खूब इंजॉय किया, वीडियो भी क्रिएट किए, फेमस सॉन्ग जो अभी वायरल हो रही है सोनू सॉन्ग इन छत्तीसगढ़ी, ये सर्च करना, हम सब फ्रेंड्स मिलके बनाए हैं, ये हुआ आज का दिन मेरी सभी फ्रेंड्स के साथ, क्या बात है। सुष्मिता बासु कह रहे, यू आर ऑल्सो माई फ्रेंड मोहित कॉज तुम एवरी संडे हम सबको टाइम देते हो। अरे यार ऐसा नहीं यार, देख मैं तो बताता हूँ, मेरे को ना मेरे को अच्छा लगता है, मतलब अभी क्या बताऊँ, कभी कभी मेरी इच्छा करती है कि मतलब जैसे कभी भी मूड होता है कि मैं लाइव चैट नहीं करूँ, पर मतलब उस दिन यार सबका मूड होता है ना अपना अपना, अभी जैसे तुम सब लाइव हो और बाकी जो अपने रेगुलर रहते हो शायद अभी इस टाइम नहीं है, हो सकता उनका कुछ काम हो, कुछ बिजी हो, तो मेरा कभी कभी ऐसा मन करता है कि यार आज इच्छा नहीं है लाइव चैट की, चलो ये काम पूरा कर लेते हैं, पर फिर मतलब
आ जाता हूँ यार मैं, मेरे को तो अच्छा लगता है भाई, सच बता रहा हूँ। अभी तो मतलब, और अभी तो इतना अच्छा लग रहा है ना तुम सबकी ऐसे बातें पढ़ना, अपनी अपनी मतलब तुम सबकी मेमोरी से रिलेट करके, तुम सबकी बातों से रिलेट करके मेरे को भी बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं, और अच्छा लग रहा है पढ़ के यार, अच्छा लग रहा है बस, और कुछ नहीं जानता मैं। मलिक ने कह रही मेरी बेस्ट फ्रेंड, सिर्फ एक हमारी फ्रेंडशिप को 12 ईयर्स हो गए, हमने कभी हमारी फ्रेंडशिप के बीच में नहीं आने दिया, उसका नाम आराधना मेरी, क्या बात है। दिवांशु झा कह रहे तू मेरा कपकेक है मोहित भाई, आई लव दैट सॉन्ग ऑफ योर्स, थैंक यू दिव्यांशु झा। अच्छा दिव्यांशु शायद अभी अभी लाइव चैट ज्वाइन किए हैं इसलिए उनको पता नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जो जो भी लाइव चैट अभी देख रहे हैं और जो भी शायद अभी देखेंगे बाद में, या अभी अगर देखना शुरू ही किए हैं, अभी हम सब फ्रेंड्स अपने अपने बेस्ट फ्रेंड्स, लाइफ के बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो मैंने कुछ अपनी लाइफ के जो सबसे प्यारे दोस्त हैं उन सबके बारे में बताया, तुम सब अपने अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बता सकते हो, और बता सकते हो इच्छा हो तो कमेंट कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, मेरे कोई मतलब कोई फर्क नहीं है, और मैं पढ़ूंगा, सब पढ़ूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है भी पढ़ना, मजा आ रहा है यार। थानिया गिरी मेरी बेस्टीज, अभी तो तीन हैं, एक है स्कूल वाली बेस्टी, 7th स्टैंडर्ड से बेस्टीज है हम, अभी तो 12 ईयर्स हो गए हमारी फ्रेंडशिप को, मधुमिता नाम है उसका। और फिर यूनिवर्सिटी से मेरी बेस्टी है आन्या, अनन्या, वो भी बहुत प्यारी है, और अभी बीएड में प्याली प्याली है मेरी बेस्टी, और हम पूरा दिन अच्छी बातों के डुअल मीनिंग निकाल के हंसते रहते हैं। अरे अरे यार गजब यार तानिया, मजा आ गया तेरा कमेंट पढ़ के, मस्त मजा आ गया भाई साहब, शानदार। असरा मंसूरी मेरी बेस्ट फ्रेंड तू बहुत है यार, अच्छे हैं, बट जो स्पेशल है उसका नाम हमजा और सबीहा है, क्या बात है असरा, उन दोनों को सबिया और हमजा को मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहना यार। रोहित प्रजापति कह रहे भाई मेरा सबसे खास फ्रेंड मेरा दोस्त और खास दिव्य है भाई, काफी स्वीट है, एक दिन मैं मेरे घर आके मुझे खूब पीटा, वो भी इतनी सी बात के लिए कि बस फोन पिक नहीं किया, और बाद में हक हक करके रोने लगी। अरे यार बता दिव्या, अरे यार रोहित बता, शानदार यार, ये तो बहुत प्यारे किस्से हैं यार, ये तो मतलब बहुत ही वाह, मेरे तो बहुत अच्छा लग रहा है। दिव्यांशी पांडे, सौम्य सिन्हा, ये ना पागल है लड़की, इसके साथ जितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है उतने किसी के साथ नहीं किया, जितना इसके साथ हंसी हूँ, जितना अच्छा वाला टाइम स्पेंड किया है उतना सच में किसी के साथ नहीं किया, लव यू सो मच पागल लड़की, ज्यादा लड़ाई ना किया कर, और मुझे मना लिया कर, अगर मैं हो जाओ नाराज तो तू जाने मेरी पागल लड़की। अरे यार बताओ दिव्यांशी पांडे, क्या लकी फ्रेंड्स है यार, मतलब वाह बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, मतलब मेरा दिल बहुत अभी मतलब भर रहा है, मतलब अभी बहुत बहुत प्यारे इमोशंस हैं यार, बहुत प्यारे, बहुत प्योर, बहुत अच्छा लग रहा है बस तुम सब की बातें सुनना। और मलिक नेहू ने शेयर किया वीडियो, थैंक यू मलिक नेहू, और जितने भी लोगों ने वीडियो शेयर किया है, जितने भी लोग लाइव चैट देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो यार बहुत बहुत थैंक यू। और तो क्या कहूँ मैं, मतलब मेरे तो बहुत मज़ा आ रहा है अभी पढ़ने में। वंशिया त्रिशला कह रही मेरे बेस्टी तो अंशिका अंकिशा है एंड दीपू है, बट दीपू जयपुर नहीं है, पुणे में है, आई एम मिसिंग हिम। वाह, तो अभी जितने भी लोग शायद अभी अभी लाइव चैट ज्वाइन किए होंगे उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हम आज अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सब अपने अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बता रहे हैं, प्लीज आप भी बताइए अगर हो सके तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। नेहा चौहान हाय, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हाय नेहा, एक नेहा चौहान मेरी जूनियर भी थी, मेरी बहुत प्यारी बच्ची थी, उसको मैं पिकाचू कहता था, नहीं वो मेरे को पिकाचू कहती थी और मैं उसे पिकाचू कहता था, पीका पीका करती थी, बहुत प्यारी सी मेरी जूनियर थी यार, बायोटेक में बच्ची, छोटी सी प्यारी सी, टॉपर थी अपनी क्लास की। हिमानी शर्मा मेरी बेस्ट फ्रेंड है एक चुड़ैल, लगती मेरे को है रोती वो है, शी इज दी ओनली वन हु अंडरस्टैंड मी कम्प्लीटली मोर देन मी, चिंगी पोंगू है वो मेरी क्यूटी। अरे यार बता हिमानी, शानदार यार। प्रशस्ति पाठक, प्रशस्ति पाठक बहुत प्यारी है यार, पीपी कहता हूँ मैं इसको प्यार से, मेरी बेस्ट फ्रेंड माही जो कि मेरी ऑल टाइम ड्राइवर है, मतलब ये तेरी बेस्ट फ्रेंड माही वो
कौन मतलब देख, तू जब वहां मैं रायपुर में आया था शो करने के लिए, तब मैं तेरे बहुत सारे फ्रेंड्स से मिला था, तो उनमें से कोई एक है क्या माही? बता। प्रगति व्यास फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड, मॉम डैड सेकंड बेस्ट फ्रेंड, चिल्ड्रन एंड बाकी सारे नेम लेते लेते रात खत्म हो जाएगी। निक नेम्स और कबूतर, डिक्कू, बापू, चक, चंपक, डाडी एंड माई निक नेम इज पप्पू। पप्पू, हाय पप्पू प्रगति व्यास। वाह शानदार कमेंट आ रहे हैं, मतलब एक से बढ़कर एक शानदार। स्वप्निल मसमार जस्ट शेयर योर वीडियो, थैंक यू स्वप्निल मसमार वीडियो शेयर करने के लिए। और ईशानी नामदेव के लिए ओके। सी वैसे तो मेरे बेस्ट फ्रेंड माय बॉयफ्रेंड माय एंड एट टाइम्स माय ओनली फ्रेंड इज माय कन्नू जी, मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी, मेरी सारी बातें सिर्फ उनसे शेयर करती हूँ, सब कुछ मतलब सब कुछ ऑल, बाकी तो सब आते जाते रहते हैं। क्या बात है ईशानी, मस्त, नाइस टू नो कन्नू जी को, तेरे बेस्ट फ्रेंड्स को हाय कहना मेरी तरफ से। यो 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 जीत खतरकर कह रहे हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड इतना बड़ा वाला डैश डैश है कि उसने मेरी ही गर्लफ्रेंड पटा ली। पहले भाभी भाभी बोलता था और अब बेबी बेबी बोलता है साला, उसका नाम नहीं बताऊंगा, पी सेंसर है बस वो। भाई शानदार बेस्ट फ्रेंड है तेरा, मतलब अरे बाप रे, ऐसा बेस्ट फ्रेंड तो मतलब सबको ना मिले, मतलब मिले मजा आ गया मतलब सुन के। बताओ भाई जीत खतकार जीत खतर कर, भाई तेरा बेस्ट फ्रेंड बहुत प्यारा होगा लेकिन डेंजरस है भाई, मतलब बच के रहना ऐसे ऐसे बेस्ट फ्रेंड से। तो भाग्यश्री चिकाले भोर कह रहे हैप्पी फ्रेंडशिप डे क्यूटी पाई कपकेक, तेरे को भी यार भाग्यश्री। चल तेरे को अभी तू कमेंट कर मेरे को कि तेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में किस्सा कोई बता मेरे को और नाम बता उनके, ठीक है ना, मुझे सब सुनना है। रोहित कुमार कह रहे मेरे तो इतने सारे फ्रेंड्स हैं कि मैं समझ नहीं पाता कि किससे बेस्ट फ्रेंड बोलूं, सारे अच्छे हैं, हैप्पी फ्रेंडशिप डे सर जी। ये शानदार था यार। आकांक्षा सिंह कह रहे हैं यार मेरे सारे फ्रेंड्स कमीने हैं, हमेशा मेरे को ही लूट लेते हैं, चॉकलेट भी निकाल लेते थे मेरे बैग्स और उल्टा जो हाथ में होती है वो भी छीन लेते हैं सारे गधे। ये बात तो सही है, हर एक फ्रेंड कमीना होता है बट उनके बिना लाइफ में मजा भी नहीं आता। अब तो स्कूल लाइफ भी फिनिश, अब कॉलेज लाइफ, आई होप अब भी सब साथ में हो। आई मिस देम, फट्टू, बदबू, खेची, चंडाल, नेहाड़ी और देवू मेरी जान है। अरे यार क्या बात है यार, ऐसे प्यार से यार मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। कैसे बोलते हो यार तुम अपने अपने बेस्ट फ्रेंड को, मतलब अलग है यार तुम्हारा बोलने का तरीका। आस्था परशे कह रहे माय बेस्टीज आर एस फॉलोज, क्लास फ्रेंड रिद्धि और खुशी, देन ट्विटर पे बहुत सारी शीरो, मेरू, अंशु, सबके सब पागल से हैं, और हाँ नीशू एंड नैना वो मोहितियन फैंडम से हैं, हम सब मिलके पागलपन करते हैं बहुत। वैसे आज काश रिप्लाई मिल जाए आपका। अरे यार रास्ता यार कैसे प्यारे से यार तुम, अरे यार मेरे को लाड आता है और फिर मैं मतलब छोड़, मेरे को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत कंट्रोल। अभी ना सचिन पोखराल कह रहे मेरे सब बेस्ट फ्रेंड्स आपके लाइव देख कर बिजी रहते हैं, आज तो 8 PM से बिजी रहते हैं, दे आर मोनिका दहाल एंड प्रिया चलीजे, वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। क्या बात है यार, उनको प्लीज मेरी तरफ से बहुत सारी क्या एक ही विश करना हैप्पी फ्रेंडशिप डे का बहुत प्यारा सा। और अब टाइम है जाने का, अब आप सब भी मतलब एंजॉय कीजिए, अपना संडे है, डिनर करो, बाहर जाओ, अपने फ्रेंड्स को कॉल करो, बाहर नहीं जा सकते तो उनके साथ में मैसेज करो, उन सबको परेशान करो और बहुत सारी बातें करो, बहुत सारा एंजॉय करो एंड प्लीज टेक केयर एंड प्लीज रिमेम्बर ऑलवेज, हमेशा जिंदगी भर कि अपना तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा फैमिली का एक मेम्बर है मोहित और तुम सब मेरी फैमिली के मेम्बर हो, और तुमको जो अच्छा लगता है तुम कह सकते हो मेरे लिए तुम फैमिली हो, मेरे प्यारे हो, और मतलब क्या कहूँ यार, बहुत प्यार है तुमसे और हमेशा रहेगा। आई लव यू, प्लीज टेक केयर, हैप्पी रहना और बहुत प्यार करना यार, सबको प्यार करना, जितना हो सके प्यार करना, किसी ने कोई गलती करी तो उसको माफ कर देना, कोई बात नहीं, भूल जाओ, चलता है। एंड प्लीज टेक केयर, आई लव यू फॉर एवर, बाय।